हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल सरकारी नौकरी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक सरकारी नौकरी को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मैं सरकारी नौकरी और अन्य चीज़ों से रिलेटेड 1 से 2 वीडियो रोज़ बनाता रहता हूँ। आपको सब्सक्राइब करने के नीचे एक रेड बटन होगी, जहाँ पे वीडियो के नीचे जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर क्लिक कर दीजिए और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो अभी कुछ दिन पहले दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक वैकेंसी जारी की गई थी, DDA की तरफ से, जो कई पोस्ट के लिए वैकेंसी थी तो उसके लिए एक अपडेशन आया है, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जो पोस्ट के लिए जो वैकेंसी थी, यदि आप भरे होंगे तो आप जानते होंगे, जैसे इसमें ASO के पोस्ट के लिए, पटवारी के लिए, अकाउंट ऑफिसर के लिए, सेक्शन ऑफिसर के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए और बहुत सारी पोस्टें थी। तो यदि आपने अप्लाई किया था तो उसके लिए एक अपडेट फॉर्म उन्होंने जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि यदि आपने अप्लाई किया है तो उसमें आधार कार्ड का नंबर आप अपडेट कर दीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप उसे यही है आपसे यही कहना था कि यदि आपने उस फॉर्म को भरा है तो आधार कार्ड अपडेट करने की लिंक उन्होंने जारी कर दी है। मैंने उसकी लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली आधार कार्ड को अपने अपडेट कर दीजिए और अपना फॉर्म को एक्सेप्ट, मतलब तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। तो ये आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, आशा है आपको पसंद आई होगी इन्फॉर्मेशन। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन होगी जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मेरी और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए, मैं बहुत सारी वीडियो बनाया हूँ सरकारी नौकरी के लिए, बहुत ही फायदेमंद होगी आपके लिए। तो उन वीडियो को भी देखना बिल्कुल ना भूलें। तो अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।